मूवी के स्टार्ट में हम एक पुलिस वैन को दिखाया जाता है जो कुछ कैदियों को पकड़ के चाइना के एक जेल में ले आते हैं और उन्हें कतार में लगा दिया जाता है और उनके गुनाह पूछा जाता है। वहाँ रिकी नाम का एक 21 साल का लड़का था जिसने अनगिनत हत्या किए हुए थे। वो गार्ड को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। जैसे वो मशीन से गुजरता है तभी अलार्म बजने लगता है। उसके शरीर के एक्सरे निकलवाया जाता है तो उसके चेस्ट में गोलियां थी। उसे पूछा जाता है, तुमने डॉक्टर को गोलियां क्यों नहीं निकालने दी? रिकी का जवाब था, ये तो तोहफा है उस इंसान का जिसे मैंने बेरहमी से कत्ल किया था। इसके बाद उन्हें उनके सेल में डाल दिया जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है इस जेल का एक हेड वार्डन है और एक असिस्टेंट वार्डन, और इस जेल को चार हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्से के एक एक लीडर थे जो सब कुछ मैनेज किया करते थे। नेक्स्ट सीन में सैमुअल नाम के कैदी एक बूढ़े कैदी को परेशान कर रहा था। वो इतना बेरहम था वो उस बूढ़े इंसान की नाक ब्लेड से काट देता है। आवाजें सुन के वहाँ एक गार्ड भी आ जाता है लेकिन वो सैमुअल को देख ये सब कुछ नजरअंदाज करके चला जाता है। लेकिन दरवाजे के पार से रिकी सब कुछ देख रहा था और वो ये सब कुछ नजरअंदाज नहीं करता। वो सैमुअल को टांग अड़ा के उसे गिरा देता है और वो एक कीली सी ठुकी हुई तख्ते पे गिरता है। सैमुअल का आधा चेहरा नष्ट हो जाता है। उसके चमचे रिकी को डराने की कोशिश करते हैं लेकिन रिकी की गुस्सेल आंखें देख वो डर के चले जाते हैं और अपने बॉस को मरम पट्टी करने लगते हैं। यहाँ सैमुअल प्लान बनाता है, वो जैसे भी करके रिकी को मौत के घाट उतार देगा। इसी कारण से उसने जेल के सबसे बड़े कातिल बिग बेली को हायर भी करता है। अगले दिन बिग बेली रिकी को जाके मारने लगता है और कहता है, तुम्हारे जान के बदले मुझे 30 किलो चावल मिले हैं, मैं तुम्हें पीस पीस करके उसी चावल के साथ खा जाऊंगा। यह सुन के रिकी के अंदर गुस्से की आग भरने लगती है और वो एक ही घूंसे में बिग बिली का पेट फाड़ देता है। अब सैमुअल रिकी पे हमला करने आता है लेकिन वो उसकी उंगलियां तोड़ देता है और एक ही घूंसे में अपना हाथ उसके शरीर के आर पार कर देता है। गार्ड रिकी को पकड़ लेते हैं तभी वहाँ एक डॉन आता है जो नॉर्थ जेल का लीडर था। वो रिकी को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए प्रपोजल देता है लेकिन रिकी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद उसे उसकी सेल में डाल दिया जाता है और तभी उसकी जहन में उसकी जिंदगी की यादें चल रही थी। उसके माता पिता के मौत के बाद वो अनाथालय में बड़ा हुआ। एक रोज रिकी अपने माता पिता के कब्र के पास जाता है। वहाँ उसे अपना अंकल मिलता है जो मार्शल आर्ट के बहुत बड़े गुरु थे। वो कहते हैं, रिकी मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया से बचाने के लिए तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। रिकी भी इसमें राजी होता है। इसके बाद रिकी को ट्रेनिंग दिया जाता है जो बेहद ही कठिन था। जब उसने अपने छाती से पत्थर को तोड़ना सीखा तभी उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। सीन फिर से प्रेजेंट में आती है और रिकी को असिस्टेंट वार्डन हुक के पास ले जाया जाता है। गार्ड रिकी के सारे गुनाह बताता है जिससे हुक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो पूछता है, तुम्हारे सीने में इतनी सारी गोली कैसे लगी? रिकी यहाँ कुछ नहीं बताता जिससे वार्डन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसके हाथ में हुक गाड़ देता है और उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर दिखा के कहता है, रिकी यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? अब हुक उसकी गर्लफ्रेंड को लेके गंदी गंदी बातें कर रहा था जिससे रिकी को बहुत ही गुस्सा आता है। रिकी टेबल को तोड़ देता है और रोकने आए गार्ड को भी पीट देता है और हुक को थ्रेट करते हुए कहता है, अपने काम से काम रखा करो। अब रिकी अपने सेल में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर देख के उसे रोना आता है। उसके पास एक बांसुरी थी जिसे वो बजाने लगता है और स्टोरी फिर से उसकी यादों में जाती है, जब उसकी जिंदगी खुशहाल थी, जब उसकी जिंदगी में उसका प्यार यिंग थी, जिस लड़की से रिकी बहुत ही प्यार किया करता था। वो यिंग को शादी के लिए प्रपोजल भी देता है लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक बार जब यिंग लौट रही थी तभी रास्ते में कुछ लड़के नशा कर रहे थे, तभी कुछ लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे गलत इरादे से उठा के ले जाते हैं, लेकिन वो उसके साथ
कुछ कर पाते। इससे पहले ही यिंग वहां से अंधाधुंध भागने लगती है और इन दरिंदों से बचने के लिए वो छत से कूद के अपनी जान दे देती है। जब रिकी को यह सब पता चलता है, जब उसने अपने प्यार की लाश देखा, उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, उसका खून गर्म होने लगता है। वो उन सबको पकड़ के जान से मार डालता है। जब वो कैप्टन को मारने जाता है, वो रिकी पे गोलियां चलाता है, लेकिन फिर भी रिकी उसे पकड़ता है और उसे मार डालता है। अगले सीन में सैमुअल के चमचे को कुछ कैदी पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ हाई आ जाता है जो उन्हें रोक देता है, लेकिन क्वांग नाम का एक लड़का नहीं मान रहा था, इसलिए हाई उसका फेस पूरी तरह से काट के उसे मार डालता है। ये देख के हुक बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें रिकी को मार डालना होगा। हाई चाहता तो नहीं था, लेकिन हुक उस पे पीशर्ट डालने लगता है। कहता है अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो तुम्हें लीडर के पद से हटा दिया जाएगा, इसलिए हाई मान जाता है। अगले सीन में वो मैदान के बीचों बीच क्रॉस लगा के उसमें क्वांग का लाश टांग के रिकी को चुनौती देता है। अब दोनों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। हाई रिकी के आंखों में कांच के टुकड़े डाल देता है, जिससे रिकी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी हाई उसके हाथ पे चाकू भी चला देता है। तभी रिकी ट्रेन को तोड़ के पानी निकालता है और उसके आंखों धोता है। तभी हाई उस पे अटैक करने आता है। वो हाई के सिर के पीछे इतने जोर से चमाट मारता है जिससे उसकी आंख निकल आती है। अब हाई समझ जाता है वो रिकी से हार जाएगा। वो अपने पेट में चाकू घुसा देता है और अपना पेट काट के आंतरिया निकाल के रिकी को उसे फांस के मारना चाहता था, लेकिन रिकी उसे इतना जोर से घोंसा मारता है जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मौत भी हो जाती है। अब रिकी हाथ से ही उस क्रॉस को उखाड़ लेता है। इसके बाद वो हुक को मारने जा रहा था, तभी वहां सेल के बाकी लीडर्स आते हैं जिनका नाम चुआंग, टाइजन, गॉड। अब हुक रिकी को उनके गैंग में ज्वाइन होने के लिए बोलता है, लेकिन रिकी साफ मना कर देता है। अगले सीन में रिकी से हाई के पोते से दोस्ती हो जाती है और वो उसे गिफ्ट में अपना बांसुरी देता है, जिसे शाह बेहद ही खुश हो जाता है। शाह उसे कुछ पत्ते देता है जो नशीले पेड़ के थे। अब रिकी पूछता है तुम्हें नशीले पत्ते कहाँ से मिले। शाह बताता है वह सेल के लीडर चुआंग उसके गार्डन में इस नशीली पेड़ का खेती होता है और उनकी ये सारी बातें चुआंग सुन रही थी। अगले सीन में वो शाह को मार के जला के उसकी बॉडी बाहर फेंक देता है और रिकी को ये देख के अपना दोस्त को के बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से चुआंग का सारा नशीले पेड़ को जला देता है, उसके गार्डन को राख कर देता है। वहाँ चुआंग आ जाती है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों की बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है और उनकी फाइट चल ही रही थी, तभी वहाँ गॉड आ जाता है जो रिकी पे सुई से हमला कर रहा था। वो सुई से रिकी को बांध देता है। तभी वहाँ टाइजन आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है और उसे एक अलग कमरे में लेके आता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और रूम में सीमेंट भरना स्टार्ट हो जाता है। रिकी दरवाजे को तोड़ के और टाइजन को लेके वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन अब सीमेंट सख्त होना शुरू हो जाता है। रिकी चल नहीं पा रहा था, वो गिर जाता है। फिर हुक उसे सेल में बांध देता है। अगले सीन में हेड वार्डन जेल में आते हैं। वार्डन का लड़का कारपेट पे चलते हुए गिर जाता है, इसलिए दोषी कारपेट बिछाने वाले को ठहराया जाता है और वार्डन सजे में उसका आँख ही फोड़ डालते हैं। इसके बाद हुक वार्डन को रिकी से मिलवाता है और उसकी सारी गुनाह बताता है। तभी रिकी वार्डन को देख गुस्सा हो जाता है और अपने सारे सीमेंट को तोड़ डालता है और वार्डन को पकड़ते हुए कहता है मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, मैंने तुम्हारे सारे नशीले पेड़ को जला दिया है और मैं तुम्हें भी जला दूंगा। और तभी वहाँ दीवार तोड़ के टाइजन आ जाता है जो रॉड को तोड़ के रिकी के हाथ को बांध देता है और उसे मारने लगता है। रिकी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो अपने हाथ को खोल लेता है और टाइजन को इतने जोर से मुक्का मारता है उसके गले से लेके उसका मुंह तक फट जाता है।
अब जेल के छत नीचे आ रहे थे। रिकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी को पता था वो इसके तले दब के मर जाएगा, इसलिए वो रॉड को तोड़ के बाहर आ जाता है। अगले सीन में रिकी को बांध के मैदान में एक गड्ढा खोद के बैठाया जाता है और सभी कैदी से कहा जाता है रिकी पे मिट्टी डाल के उसे जिंदा ही दफन कर देने को। जिन जिन ने मना करने की हिम्मत की उन सबको गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद सभी मिल के रिकी को जिंदा ही दफन कर देते हैं। वार्डन बताते हैं इसी हालत में रिकी को एक हफ्ता रखा जाएगा, अगर वो फिर भी जिंदा निकला तो उसे बाहर किया जाएगा और उसकी मृत्यु की अंतिम क्षण तक उसे पीटा जाएगा। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। जब रिकी को बाहर किया जाता है तो वो जिंदा था और उसे जिंदा देख सभी बेहद ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद रिकी को पकड़ा जाता है और रॉडों के बीच में उसे रखा जाता है। वार्डन पूछते हैं रिकी तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, लेकिन रिकी साफ मना कर देता है। रिकी के मना करने से उसे मारा जाता है, उसके मुंह में ब्लेड घुसा दिया जाता है और उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसे एक अलग सेल में रखा जाता है। रात को रिकी के दोस्त उसे चोरी छुपे खाना देते हैं और जब हुक को यह पता चलता है वो उसे घसीटते हुए रिकी के सेल के बाहर लेके आता है, लेकिन रिकी तब तक खुद को आजाद कर लेता है। वो चमचे को मार के उसका सिर दो टुकड़ों में कर देता है और अपने दोस्त को मरा हुआ देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर सभी हुक को मारते हुए वार्डन के पास ले जाते हैं। वार्डन उस पे एक अजीब सी गोली शूट करते हैं जिससे वह मोटा हो जाता है और फट जाता है। तभी वहाँ गॉड और चुआंग भी आ जाते हैं। उनकी बहुत भयंकर लड़ाई होती है। रिकी चुआंग के पैर को तोड़ देता है। ये देख के गॉड बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ दिखा जाता है वार्डन एक राक्षस में बदल जाता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार रिकी वार्डन को पकड़ के कीमा मशीन में डाल देता है जिससे उनका कीमा बन जाता है। फिर रिकी वार्डन के कटे हुए सिर को लेके बाहर आता है। ये देख के सभी बहुत ही डर जाते हैं। वो जेल के दीवार में इतना जोर से घूंसा मारता है दीवार पूरी तरह से टूट जाते हैं। रिकी कहता है अब तुम सब आजाद हो। फिर रिकी आगे चलने लगता है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।